हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कल इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 13, 14 और 15। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से होगा आपका क्वेश्चन 13, क्या करना है आपका क्वेश्चन 13 में। क्वेश्चन 13 आपसे पूछता है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कितने थ्री डिजिट नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय होंगे 7 से। तो कैसे करना है, जो फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर है जो डिवाइड होगा आपका 7 से, अगर आपको टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए आपका सबसे पहला नंबर कौन सा होता है, 105। इसमें आप 7 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 112, 119। इस तरह से कितने थ्री डिजिट नंबर होंगे। तो पहले मैंने आपको कहा कि 105 कैसे आया, मान लो आपको टेबल नहीं पता है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, लिखा आपने 100, ठीक है, 100 से पहला थ्री डिजिट नंबर है, इसको आपने डिवाइड किया, तो 1730, 7 4 28, यहाँ कितना बचा 2, ठीक। यानी इस 2 को आप माइनस करोगे 100 में तो आपका कितना आया 98। यानी 98 आपका 7 से डिवाइड होता है कब, जब 14 से इसको मल्टीप्लाई करो। तो इसके अगला नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट 98 के बाद, 105, क्यों, जब आपने इसमें 7 ऐड कर दिया। अब आपको बताना है कि लास्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो लास्ट थ्री डिजिट नंबर कैसे निकाले, तो इसमें आपने क्या किया, 1000 जो कि आपका क्या है, ये मान लो, चलो 1000 छोड़ो, 999 आपका लास्ट थ्री डिजिट नंबर है, तो आपने लिया यहाँ पे 7, 7 बन जा 729, 7 4 28, 1 और 9, 7 2 14, ये 5 नंबर आपका बच रहा है यहाँ पे। यानी 5 आप माइनस कर दो 999 में, तो ये क्या हो सकता है आपका 994, कब आएगा जब 142 से आप मल्टीप्लाई करो 7 को, तब 994 आएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट आपका क्या है, ये डिजिट्स आते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इसकी हेल्प ले लेना। तो लास्ट डिजिट आपका कौन सा है, 994। आपको ये बताना है स्टूडेंट कि इसमें कितने सारे डिजिट हुए इसके बीच में कि जो 7 से डिवाइड हुए, तो कितने हुए यही आपको फाइंड करना है। एंड इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 105 है, कॉमन डिफरेंस तो आपको दिख रहा है 7 है, तो इसको लिख दिया 112 माइनस 105 जो कि आया 7। nth टर्म आपका कितना है, 994 लास्ट टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ए एन कितना है स्टूडेंट आपका 994, ए कितना आपका 105 प्लस में एन कितना है यही आपको फाइंड करना है 7। ये इधर चला गया माइनस में आपका, ये हो गया आपका एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 889, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, 7 बन जा 7, 1 7 2 14, ये हो गया 7। तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू 127, एन इक्वल्स टू माइनस 1 इधर चला गया तो कितना आ जाएगा 128 आंसर। यानी कि आपका इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, 128। कितने ऐसे नंबर होंगे जिनको, जो थ्री डिजिट नंबर्स होंगे जिनको आपका 7 डिवाइड कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ देखिए आपका 14th क्वेश्चन, तो 14th क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ही है स्टूडेंट, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर ले, आपको सही से कोई दिक्कत तो नहीं होगी देखने में। तो 14th क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ही होगा, देखिए अगर इसमें क्लैरिटी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो आपका भी करा देते हैं क्लैरिटी ज़्यादा। 14th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 14th है, कितने ऐसे केस है 10 से 250 के बीच में मल्टीपल्स होंगे 4 के, कितने ऐसे नंबर्स होंगे। तो 10 के बाद कौन सा नंबर होता है आपका मल्टीपल 4 का, वो होता है आपका 12, फिर 16, फिर 20, इस तरह से आपको 250 से पहले बताना है। तो 250 से पहले बताना है, अगर आपको नहीं आना तो आप डिवाइड कर लो 250 से, तो 6 4 ये हो गया 24, 10, फिर 4 2 8, कितना बचा है यहाँ पे 2, इस 2 को माइनस कर लो आपका किस में, 250 में। यानी 248 कब आएगा, जब आप 4 को 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो 248 आएगा, और यही वो नंबर्स हैं जो कि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स हैं। तो कितने ऐसे नंबर है ये पूछा है आपसे, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका 12, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12, तो ये हो गया आपका 4, फिर आपका nth टर्म जो है 248 है, n आपको फाइंड करना है, तो nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई
डी एनिट टर्म आपका 248 हो गया, 12 प्लस में एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी कितना 4, ये इधर चला गया तो 236 हो गया, एन माइनस वन 4 और ये हो गया आपका 4 5 9, एन माइनस वन इक्वल्स टू 59, तो एन इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 60। तो टोटल कितने टर्म्स थे, इतने टर्म्स आपके थे जो कि 4 से डिवाइड होंगे या 4 के मल्टीपल होंगे आपके 10 और 250 के बीच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 14। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे देखिए अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यानी 15th क्वेश्चन कैसे होगा। तो 15th क्वेश्चन में आपको बोल रखा है स्टूडेंट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू APs दिस एंड दिस इक्वल। तो किस वैल्यू ऑफ n पे ये जो AP है ये वाला 63 65 67 और ये AP है आपका, ये बराबर होगा किसके, इस AP के जो कि है आपका 3 10 17, ये सब किस वैल्यू ऑफ n पे आपका ये दोनों APs बराबर होंगे। तो किस पे, तो आपको वही बताना है यानी इसका nth टर्म इसके nth टर्म की क्या है बराबर है। ठीक है, किस वैल्यू ऑफ n पे इसका फॉर्मूला ये लगाया तो a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, इसमें डैश लगा दो तो ए वन डैश या ए डैश प्लस में एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी डैश। तो किस वैल्यू ऑफ n पे आपके ये दोनों आपके जो होंगे वो बराबर होंगे, तो इसीलिए आपने a n टर्म इक्वल्स टू इसका a डैश n फॉर्मूला लगाया। यहाँ से a क्या आ गया स्टूडेंट आपका 63, डिफरेंस क्या आ गया 65 माइनस 63 यानी कि ये 2। ठीक है, n आपको दोनों में नहीं पता रहेगा, a डैश आपका 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस का डैश क्या हो गया n माइनस 3 यानी कि d डैश आपका 7। ठीक, तो a कितना है यहाँ पे 63 प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई ये कितना 2, a डैश कितना 3 प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई d डैश कितना 7। फिर इसको आप ओपन कर लो तो 63 प्लस में 2n माइनस 2 ये हो गया 3 प्लस में 7n माइनस 7, 63 माइनस 2 61 प्लस में 2n, 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस में 7n, ये आपका इधर चला आया तो ये 61 प्लस में 4 और ये आपका इधर चला जाएगा तो 7n माइनस में 2n कितना आ गया 65, ये हो गया स्टूडेंट आपका 5n, 5 इसको डिवाइड किया आपने n इक्वल्स टू कितना, तो ये आपका 13th टर्म पे आपके क्या होंगे AP या फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ टर्म जो इनके nth टर्म्स होंगे वो बराबर होंगे। तो 13th टर्म पे आपका क्या है ये बराबर होंगे। तो स्टूडेंट ये थी वीडियो आपकी क्वेश्चन 13th 14th 15th, इसी तरह से आपके पास वीडियो आते रहेंगे स्टूडेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और आपका ही चैनल है चैनल का नाम सीखिएगा सब्सक्राइब करना। तो स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहो, थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।